आरसीबी वर्सेस जीटी, आज का आईपीएल का बहुत ज्यादा जबरदस्त मुकाबला जो शाम को खेला जाएगा 7:30 बजे। अगर वेन्यू की बात करें, वेन्यू रहेगा आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, आज का ये मुकाबला बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है और आपके लिए मैं लाया हूँ बहुत ज्यादा सारी जानकारी निकाल कर, जिसे देखकर आप एक अच्छी खासी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो और मैं आपको टीम बनाना सिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। अगर बात करें आरसीबी के बारे में तो दोस्तों आरसीबी की रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है और यहाँ पर विराट कोहली डुप्लेसी अच्छे खासे रन बना रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली की लास्ट जो रिसेंट फॉर्म है 1 रन 18 और लास्ट मैच में इन्होंने शतक लगाया। डुप्लेसी वहीं 65-55-71 डुप्लेसी की इससे पहले भी अच्छी खासी फॉर्म है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 मैचों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अनुज रावत 6-29-0, ग्रेन मैक्सवेल 68-54-5, एम ब्रेसवेल 1 विकेट 19 रन 2 विकेट और लास्ट मैच में 2 विकेट, एस अहमद 2 रन और लास्ट मैच में 1 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज 0-1 और 1 विकेट, अर्षद पटेल 0 एक मैच में खिलाया गया और एक में 1 विकेट, डब्लू परनेल 1 विकेट 3 विकेट और 0 विकेट, के शर्मा 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, एम लोमरोर की बैटिंग नहीं आ रही और ये फ्लॉप चल रहा। दोस्तों ये तो होगी आरसीबी की प्लेइंग 11 और रिसेंट फॉर्म के बारे में बात। अब करते हैं जीटी के बारे में बात। जीटी की तरफ से विद्यमान शाह 81 रन 0 और 2 रन और 0 रन, शुभम गिल 94 रन 6 रन और लास्ट मैच में शतक लगाया। इधर से शुभम गिल शतक लगाया, इधर से विराट कोहली ने शतक लगाया, दोनों बहुत अच्छे खासे प्लेयर हैं। अगर ये टीम जीतती है तो कोहली के दम पे जीतेगी, या डुप्लेसी की टीम जीतेगी तो शुभम गिल के दम पे जीतेगी। दोस्तों वहीं साई सुदर्शन की बात की जाए 19, 20 और 47 रन, हार्दिक पांड्या 25, 4 रन और लास्ट मैच में 8 रन, डेविड मिलर 21 रन 4 रन 7 रन, राहुल तेवटिया की बैटिंग नहीं आ रही, नीचे खेला बहुत, मोहित शर्मा 4 विकेट 1 विकेट लास्ट मैच में 4 विकेट, मोहम्मद शामी 0 विकेट 0 विकेट और लास्ट मैच में 4 विकेट, राशिद खान 1 विकेट 1 मैच में 4 विकेट और 89 रन की पारी खेली और लास्ट मैच में 1 रन आपका। यश दयाल 2 मैचों में खिलाया नहीं गया, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया, एन एम नूर अहमद लास्ट 2 मैचों में फॉलोअप चला। दोस्तों ये तो हो गया आपकी प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में। अब बात करते हैं अपनी ग्रैंड लीग टीम के बारे में। दोस्तों से पहले जान लेते हैं विनिंग चांस। दोस्तों विनिंग चांस की बात की जाए, आरसीबी का 48% है, जीटी के 52% चांस है, वेदर क्लाउडी है। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे जो वेदर है ना, थोड़ा क्लाउडी वेदर है, तो जब वेदर थोड़ा क्लाउडी होता है तो थोड़ी बॉलिंग चलने के चांस ज़्यादा जाते हैं। दोस्तों पेसर होता है, मदद मिलती है, तो थोड़ा आप जब अपनी टीम बनाओ तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि वहाँ का मौसम कैसा है। अगर क्लाउडी है, बारिश वहाँ पे हो रखी, नमी है पिच में, तो दोस्तों वहाँ पे बॉलिंग चलने के चांस थोड़े रहेंगे, यानी कि बॉलर को भी सपोर्ट करने का मिल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आरसीबी के बारे में। अगर आरसीबी की विनिंग की बात की जाए, अगर आरसीबी को हम मैच जिताएंगे तो किस तरह की टीम बनाएंगे। दोस्तों आरसीबी की तरफ से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होगा विराट कोहली, 5 डुप्लेसी, ग्रेन मैक्सवेल और ब्रेसवेल, 1 2 3 4 पिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं हम मोहम्मद सिराज को लेंगे और आपका पटेल को लेंगे और के शर्मा और पंडेल में तो एक को लेंगे। अगर पिच सपोर्ट करती है स्पिनर को तो स्पिनर लेंगे, यानी फास्टर को लेंगे डब्लू पंडेल को, 1 2 3 4 सिराज 5 6 7 प्लेयर हम यहाँ से दोस्तों लेंगे और यहाँ से हम 4 प्लेयर लेंगे। दोस्तों यहाँ से हम 4 प्लेयर, एक हम शुभम गिल को लेंगे और साई सुदर्शन को लेंगे, हार्दिक पांड्या को लेंगे और यहाँ से हम राशिद खान को लेंगे। दोस्तों कैप्टनसी की बात की जाए, कैप्टनसी का सबसे बढ़िया दावेदार तो आपको विराट कोहली मिलेगा, लेकिन 5 डुप्लेसी भी अच्छा फॉर्म चल रहा है, दोनों में से कैप्टनसी ट्राई करेंगे। और वाइस कैप्टनसी की बात की जाए, वाइस कैप्टनसी रहेगा हर्षल पटेल। जी हाँ दोस्तों, हर्षल पटेल आज का बहुत ज़्यादा पंटर पिक हो सकता है, इसे कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना। इसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा नीचे डाउन चला गया है इसका सिलेक्शन परसेंटेज, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, 2 से 3 विकेट निकाल के आपको दे सकता है दोस्तों ये। वहीं करण शर्मा की बात की जाए, करण शर्मा भी आपको आज 1-2 विकेट निकालता दिखाई देगा दोस्तों। और इधर अगर बात की जाए, अगर जीटी टीम जीतती है तो जीटी तरफ से हम विद्यमान शाह, शुभम गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, राशिद खान और मोहित शर्मा, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। और यश दयाल और नूर अहमद को हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हम डेट और यहाँ से हम लेंगे 5 डुप्लेसी और आपका 5 डुप्लेसी, अनुज रावत, मैक्सवेल, ब्रेसवेल, 1 2 3 4 प्लेयर लेंगे दोस्तों यहाँ से। दोस्तों अनुज रावत को हम ड्रॉप करेंगे, 5 डुप्लेसी लेंगे, और नहीं 5 डुप्लेसी लेंगे, अनुज रावत लेंगे, मैक्सवेल को ड्रॉप कर सकते हैं, ब्रेसवेल लेंगे और यहाँ से हम लेंगे हर्षल पटेल। तो दोस्तों 4 प्लेयर हमारे इधर से हो गए। और अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो कैप्टनसी रहेगी आपकी शुभम गिल या साई सुदर्शन में से एक। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो साई सुदर्शन ट्राई करना, स्मॉल लीग में आप शुभम गिल को ट्राई करना। और वाइस कैप्टनसी रहेगी आपकी आपकी मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी भी आज का अच्छा खासा पंटर पिक हो सकता है। मोहम्मद शामी पिछले कुछ मैचों में परफॉर्मेंस अच्छी खासी निकल रही है, 4-4 विकेट निकाल रहा है, तो आप इन दोनों को वाइस कैप्टनसी में ट्राई कर लो। दोस्तों मैं आपको हमेशा ही बात बोलता हूँ, आप कैप्टन वाइस कैप्टन उसको बनाओ जिसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, जो ओपनर बॉलर होते हैं इनके पास अच्छे खासे ओवर होते हैं खेलने के, इनके चांस ज़्यादा होते हैं कैप्टन बनने के। नीचे डाउन जो आ रहे हो, कभी कभी कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हैं दोस्तों, तो हमेशा कभी भी कैप्टन बनाओ तो ऊपर के 3 बल्लेबाज से ही कैप्टन ट्राई करो। बस आपको देखना है आप ग्रैंड लीग खेले, स्मॉल लीग खेले, ग्रैंड लीग खेले थोड़ा सा रिस्क ले लो,
हाई परसेंट कैप्टन था तो इसको छोड़ गए, इसको कैप्टन मान लो आप। जैसे कि कल देखा आपने 17% कैप्टनसी गायकवाड़ की थी और 25% कैप्टनसी डी कॉन की थी, तो लास्ट में आते आते कैप्टन गायकवाड़ ही बन गया दोस्तों। तो यही चीज़ होती है ग्रैंड लीग जीतने के लिए, आपको टॉप टॉप प्लेयर पिक करने होते हैं, और कुछ प्लेयर होते हैं जैसे कि हर्षल पटेल जिनके चांस ज़्यादा होते हैं विकेट लेने के दैट ओवर में, और उनका उनका सिलेक्शन परसेंट बहुत कम होता है, उनको आप पिक करो और विकेट लेंगे तो आपकी रैंक इंप्रूव होगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाख 1,50,000 लोगों में आराम से आ जाओगे। 1,00,000 लोगों को बीट करने के लिए, 50,000 लोगों को बीट करने के लिए आपको बहुत कम परसेंट के खिलाड़ी डालने पड़ेंगे, उनकी परफॉर्मेंस चेक ना हो या उन्होंने परफॉर्मेंस दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म में हो या ना फॉर्म में हो, आपको डालने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि ये विकेट ले सकता है दोस्तों। दोस्तों ये थी बात इस वीडियो में, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं भी कई बार ग्रैंड लीग में 32 से 32, 33 या आपका 20-20 रैंक पे आया, और थोड़ा सा वहाँ पे मैं ग्रैंड लीग से चूक गया क्योंकि मैंने कम परसेंटेज खिलाड़ी थोड़े कम रखे हुए थे और रिस्क थोड़ा कम दिया था, रिस्क लिया था मैंने, लेकिन एक दो रिस्क मुझे होल्ड लेना चाहिए था, मैं कई बार पछताया। तो 2 करोड़ रुपये जीतने से रहा, लाखों में विनिंग में इस बॉल लीग तो मैं जीत लेता हूँ, मैं ऐसा ग्रैंड लीग जीतने के लिए मैं आपको टिप दे रहा हूँ, तो आप ये चीज़ ट्राई करो और फिर देखो आपकी रैंक कैसे इंप्रूव होती है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को जो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल मेरा जाकर ज्वाइन कर लो।